तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट पे। कंट्रोल स्टेटमेंट लॉजिक, या हम लोग इसको कह सकते हैं इफ कंडीशंस, ये कभी काफी महत्वपूर्ण है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके बगैर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे आपको लॉगिंग फॉर्म बनाना है तो आप उसमें देना चाहते हैं कि इफ आप अगर ए आईडी नंबर पासवर्ड नंबर करेक्ट डाले तो लॉगिन करने दें। तो इसी तरह की और भी स्टेटमेंट है कि अगर कंडीशन को फुलफिल करे तो दूसरा कंडीशन करने दें। तो इसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर लूप वगैरह भी आ जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं यहां पे x इक्वल टू, यहां पर x इक्वल टू 100 कर, अभी छोटा करता हूं, x इक्वल टू 100 कर दी। ओके, अब यहां पे करते इफ x इक्वल टू 100, और फिर यहां पे सेमी कॉलम देके नीचे आते हैं और यहां पे देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहां डालते हैं हम ओके। उसके बाद हम नीचे डालते हैं, यहां पे डालते हैं एल्स, और एल्स में हम करते हैं प्रिंट पेनी। तो यही है आपका इफ कंडीशन। क्या है? इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन में यहां आपका कंडीशन होते हैं, यहां ट्रू पार्ट और यहां पर फॉल्स पार्ट। जैसे अगर x 100 हुआ तो प्रिंट ओके आएगा, अदरवाइज पेंडिंग आएगा। अब इसको एक बार हम रन करके दिखाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें देगा एरर। क्यों एरर देगा मैं समझाता हूं। नहीं, यहां एरर नहीं दिया, यहां ओके दिया। एरर इसलिए देता क्योंकि ये एक्स 100 कर दिया हमने। हाँ, यहां इसके जगह हम इनपुट बॉक्स लेंगे तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो इंट में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। यहां पे केस सेंसिटिव होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा मेथड है इफ लगाने का, इफ कंडीशंस, इसके बाद रिजल्ट, और इसका पैटर्न सेम होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब पैटर्न का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है हमेशा इसके बाद होना चाहिए। ये शुरुआत में अगर इस तरह से आपने लाइन में लिख दिया तो प्रॉब्लम हो, इसलिए हमेशा ये जो है इसके बाद एक टैग की दूरी पे होनी चाहिए और यहां भी एक टैग की दूरी पे होना चाहिए। आप बोलेंगे सर मुझे कई सारे कंडीशन देने हैं, तो आप कई सारे कंडीशन इसी टैग में यहां दे सकते हैं, और यहां एल्स पे भी, एल्स पे। जैसे कि मैं यहां पे एक और करना चाहता हूं कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने बोल दिया इट इज 100। अब यहां पे देखिए कि स्पेस आ गया ना, अब रन करने पे एरर दे, नहीं एरर नहीं दिया, यहां एक ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। यहां पे समटाइम एरर देता है, समटाइम एरर नहीं देता है, और यहां भी अगर इस सीध में अगर आप डाल रहे हैं वो हमेशा इस यहां पे लिखता हूं कि प्रिंट इट इज नॉट 100। अब ऐसे नीचे कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको अगर दो बार एंटर मार दूं, अब यहां पे कोई लाइन करूंगा तो वो इफ का पाथ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? इफ का पाथ वो नहीं रहेगा। और यहां पे आप इसकी लाइनिंग देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका इफ, इसको लेकर एक्सपेंड सब कर सकते हैं यहां पर इस तरह से, इससे पता चल रहा है कि इफ के अंदर। तो इफ लिखते समय जनरली लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि इफ देने के बाद जो प्रिंट होगा, जो कि ट्रू पार्ट है फॉल्स पार्ट होगा, इसी तरीके से होगा। और दूसरा, कंडीशन देने के बाद ये जो सेमी कॉलन है ये होना ही चाहिए। अगर सेमी कॉलन नहीं है तो फिर भी आप वर्क नहीं करेगा, इसलिए सेमी कॉलन होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? अब यहां पे मैं एक काम और कर सकता हूं कि यहां पे मैं कर सकता हूं कि क्या ग्रेटर देन 100 है,
या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, या लेस देन 100 है, या लेस देन इक्वल टू 100 है, या फिर नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल के लिए ए साइन यूज होगा। अब साइन जान लीजिए कि क्या क्या साइन इसके अंदर होगा, मैं एक बार साइन समझा देता हूं आपको नोट पैड में। तो सबसे पहले इक्वल के लिए आपको ये डालना है डबल इक्वल। ध्यान रखिएगा कि हम डेटा स्टोर जब करते हैं, जैसे ए इक्वल टू 20 से एक्स इक्वल टू 100 किया, तो वहां पर हम सिंगल इक्वल डालते हैं। लेकिन इफ कंडीशन में जब हम, या लॉजिकल लॉजिक्स में जब हम दो वैल्यू को आपस में बराबर करते हैं, तो हमेशा डबल इक्वल करते हैं। उसके बाद ये आता है ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू, फिर आता है आपका लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे आपका ये आता है नॉट इक्वल टू। अब ये किस पे यूज होते हैं? ये यूज होते हैं सिर्फ नंबर्स पे। अब ऐसा नहीं कि किसी का नाम है तो ग्रेटर देन पूजा कर दीजिए, नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ए जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं इफ कंडीशन के अंदर कि नॉट इक्वल टू 100 और वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप इजिली इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या एल्स लगाना जरूरी है? जी नहीं, आपका अगर एल्स का कंडीशन नहीं है तो एल्स देना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इफ दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ इफ दे सकते हैं। अब यहाँ पे 100 के जगह पे मैं बट और यहाँ पे इनपुट लगा देता हूं, इनपुट इनपुट के अंदर यहां डाल दिया एंटर नंबर। आप देखिए अब यहाँ पे स्लैश टी काम अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 99, यहाँ पे इट इज ओके, इट इज 100, इट इज नॉट 100, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया। तो दो यहाँ पे इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एल्स लगाना जरूरी नहीं। एल्स कब लगाते हैं? जब मेरे पास दो रिजल्ट होता है कि हाँ अगर ऐसा हो तो ये दिखाए, ऐसा ना हो तो ये दिखाए। जैसे कि मान लीजिए कि हम मार्क्स डालना चाहते हैं, यहाँ पे इनपुट मार्क्स। अब मार्क्स में मुझे क्या करना है, मार्क्स के अंदर ये करना है कि अगर ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 30 है तो पास होगा, अदरवाइज फेल हो। तो यहां पे मेरे पास दो कंडीशन है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एल्स ला लेंगे। यहाँ पे स्पेस, बैक स्पेस से यहां पे आते हैं और यहाँ पे एल्स, एल्स के बाद एक हम यहाँ पे कॉलन डालते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट फेल, या जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं वो कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो, तो प्रिंट फेल। तो अब जैसे कि यहाँ हम नंबर डालते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे नंबर डालते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 80 डाल के एंटर मारा तो देखिए यहाँ पे देखिए यही दिक्कत आ गया, इन तो होना चाहिए बता रहा है, तो मैं ही जिस हिसाब से जा रहा हूँ, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। इक्वल वगैरह में तो हो जाता है क्योंकि टेक्स इक्वल करता है, लेकिन जब ग्रेटर देन लेस देन का साइन देते हैं तो वहां दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमें इंट लगाना पड़ेगा, इसको इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट करना, क्योंकि तो सेम केस होना चाहिए। अब यहां पे मैं एंटी करता हूं, एंटर करता हूं, तो देखिए यहां पे पास है। अब यहां पे हमने एल्स लगाया और आपने इफ और एल्स दोनों को समझा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए कई कितना भी कंडीशन क्यों ना हो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे एल्स इफ की बात करनी, मल्टीपल कंडीशन हो उसकी बात करनी हो, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रेड देना है, क्या देना है, ग्रेड देना है, तो मेरा ग्रेड क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया कि एक्स जो है अगर लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो बी ग्रेड आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए। तो यहां पे मैंने दिया प्रिंट और प्रिंट में मैं यहां देता हूं सी ग्रेड। फिर यहां पे मैं एल्स लगाया। अब यहां पे मैं एल्स नहीं,
यहां पे एल से लगाऊंगा, ई एल एफ, एल सिर्फ इसको बोला जाता है, लेकिन ई एल एफ बोला जाता है कि ई एल एफ बोलाऊंगा, एल्स गायब है इसमें का। तो एल्स इफ में ई एल एफ यहां पे आते हैं, ई एल एफ के अंदर दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स इफ लेस देन इक्वल टू 60 हो तो बी ग्रेट है। तो यहां हम प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहां पे बी ग्रेट, फिर अगेन ई यहां पे ई एल एफ, और कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन 60, तो यहां पे क्या है, तो प्रिंट, प्रिंट में हमने बोला कि यहां पे ए ग्रेट है। अब इसको रन करते हैं, तो रन करते ही आप यहां देखेंगे, जैसे मैंने यहां पे रिजल्ट मान लीजिए कि मैं 65 देता हूं, तो ये देखिए ए ग्रेड आया। यहां पे अगर सेवन, यहां पे 78, यहां पे मान लीजिए मैं देता हूं 35, तो आप देखेंगे कि सी ग्रेड, क्योंकि 40 से नीचे सी है, 40 से नीचे क्या है, सी है। तो इस तरह के एलसीएम लगा सकते हैं, ईएलएफ। ईएलएफ का यूज होता है जब मेरे पास स्लैब वाइज मल्टीपल कंडीशन होते हैं, उस केस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ईएलएफ। और ईएलएफ के अंदर यहाँ पे हम लास्ट में मान लीजिए कि हम एल्स देना चाहते हैं, तो यहाँ हम एल्स भी दे सकते हैं, कि एल्स अगर कुछ भी ना हो तो प्रिंट, जैसे कोई टेक्स्ट वेक्स डाल दिया तो यहाँ पे फेल शो करे। इस तरह की चीजें हम यहां पे आसानी से एल्स को लगा सकते। अब क्या एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ लगा सकते हैं, और कॉस दूसरा इफ लगा सकते हैं? जैसे मुझे यहां पे मान लीजिए कि इंसेंटिव देना है, क्या देना है, इंसेंटिव देना है, अगर 50 to 80 के बीच में आया तो मुझे 800 का इंसेंटिव देना है, क्या देना है, 800 का इंसेंटिव देना है, तो कैसे होगा, तो यहां पे हम मार्क्स जगह पे सेल कर देते हैं। तो यहां पे देते हैं फॉर्मूला कि, और यहां पे पहले मार्क्स जगह पे देते हैं सेल। अब यहां पे देखेंगे कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर यहां पे एक और इफ लगाएं कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 80, तो यहां प्रिंट आना चाहिए 5। सिंपल सा, आप मुझे कुछ एल्स वेल्स देना नहीं है, तो हमने सिंपली यहां पे मान लीजिए कि अगर हम यहां पे 55 कर दिया, तो यहां पे देखिए 500 इंसेंटिव आ गया। फिर रन करते, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 90 दे दिया, तो कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ एल्स में कुछ दिया ही नहीं कि अगर एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या हो। और मैं जब भी एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाता हूँ, पैटर्न फॉलो जरूर करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप एक इफ की जगह ऐसे लगा दें, वीवी प्रोग्रामिंग में चलता है नहीं, पैथन में ए इफ इसके अंदर में है तो टैब मार के इसके अंदर में होना चाहिए, और ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग आपको बता रहा है कि इसके अंदर चीजें होनी चाहिए, जो चीजें है वो होनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट इसमें? अभी मैं वो इफ को जैसे मोटा मोटी बता रहा हूं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मुझे एल्स जो देना है, इस पार्ट का ये देना है, मुझे इसका एल्स नहीं देना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इसी का एल्स यहां दें, क्या देंगे, एल्स। अब ये एल्स दिया, ये इसका एल्स, लाइनिंग यहां पे लाइन आ रहा है तो इसका एल्स है, तो एल्स यहां पे मैं करता हूं, फिर प्रिंट नो इंसेंटिव। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूं कि अगर मैं 90 दे दिया, यहाँ देखिए 90 दे दिया, तो यहाँ पे नो प्रिंट, नो इंसेंटिव दिखेगा, लेकिन रन करते समय अगर मैं यहाँ पे 40 दिया,
तो 40 किसका आंसर होगा, इसका होगा, यही पे चेक करेगा क्या एक्स ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन 50 है तभी वो सेकेंड इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर नहीं है तो सीधे एल्स है, एल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, ध्यान देखिए कुछ भी नहीं। अगर मैं इसका एल्स दूंगा तो एल्स होगा। अब इसका एल्स कैसे देंगे, तो इसका एल्स इसके सीध में यहां पे आएंगे, देखिए कर्सर आया, अब मैं यहां पे एल्स देंगे, क्या देंगे एल्स, और फिर इसके अंदर अब ये जो प्रिंट होगा ये प्रिंट इस इफ के सीध में होगा, ये प्रिंट यहां पे एक्स लेस देन 50। अब मैं इसको रन करते हैं, रन करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 ये दे दिया, 45 दे दिया, तो ये देखिए लेस देन 50 इस क्वेश्चन। तो नेस्टेड इफ देते समय ध्यान रखिएगा, अब एक ही बार आप कई सारे इफ्स, कई सारे जो प्रॉब्लम है उसको नहीं लगाइए, धीरे धीरे आप इसका इस्तेमाल करेंगे एक एक करके, क्योंकि एक साथ लगाएंगे तो हो सकता है कि किसी के अंदर में नहीं है किसी के बाहर में है, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करने की पड़ सकती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इफ कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको स्लोली पढ़ें ना कि फास्ट। अभी आपके व्हाट्सएप पे मैं एक पीडीएफ फाइल या एक वर्ड फाइल मैं आपको भेजूंगा जिसमें पैथन के इफ स्टेटमेंट के बारे में पूरा दिया होगा, उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, तो उसमें दिए गए एग्जाम्पल को आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस